बुधवार को इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को लेकर प्रशंसा की झड़ी लगा दी। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मोदी अब देश नहीं दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कार्यक्षमता और उनकी लोकप्रियता पर पूरे विश्व की नजर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र की भाजपा सरकार के उल्लेखनीय कार्यों को सभी के बीच रखा। इस दौरान विजयवर्गीय ने पार्टी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। हम बहुत छोटे थे। दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर सारा की सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था, और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या। विजयवर्गीय ये कहने से भी नहीं चुके कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने में भाजपा की पहल सराहनीय है। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिला है। तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी, पर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दम घुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान किए, वो ताकत प्रदान की और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट पर लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। भारत पहला देश नहीं, हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र से जहां पर 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया, पर हमारे वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि हमने कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें वोट बैंक की चिंता की, हमने हमेशा देश हित का निर्णय लिया, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब लगा कि मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं एकदम घुटू वातावरण में रहती है इस 3 तलाक के कारण, तो उन्हें सशक्तिकरण करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विजयवर्गीय ने प्रमुख तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने का मादा रखता है। 2014 के बाद इस देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इस देश का नेतृत्व किया था। यदि हम इन 6 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें
तो मैं एक लाइन में यह कह सकता हूं कि देश की जनता ने उन्हें भारत का नेता बनाया था, किंतु अपनी दूरदृष्टि, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आज वो दुनिया के नेता बन गए। और दुनिया में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, जिस विषय पर भी वो बोलना प्रारंभ करते हैं, दुनिया की किसी भी समस्या पर जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, तो सारे विश्व के मीडिया ने उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के टॉप 5 लीडर्स हैं, उनमें से एक है।